कौन सी चीज़ आपको मुनफरद लगी जो आप चाहती हैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी इसको अडॉप्ट करें ताकि वो वहाँ के स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा कर सकें? यहाँ पर जो आईटी पर जो काम किया जा रहा है ना, पहले जो हमारी अकेडमी एजुकेशन थी उसमें साइंस केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसमें आईटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी ग्लोबल दुनिया पर जो कहते हैं ना कदम के साथ कदम मिलाकर चलना है, जो इस वक्त ग्लोबल दुनिया चल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटी पर फोकस है। जिसने आईटी पर कमांड हासिल किया वही आगे आप निकल सकते हैं। लेकिन मुनफरद तो सभी चीज़ें हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक नई चीज़ है हमारे मुल्क में और दुनिया में तो बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन जो रेहान अल्लाहवाला साहब ने इसको इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे, तो सारी मुनफरद चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखाया जा रहा है। फ्री लांसिंग है, फिर वो इतनी छोटी उम्र में इतने एनर्जेटिक हैं कि वो ख़ुद से सब कुछ बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं और सीख के उसको वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना चाह रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, उससे अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है, ये मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बच्चों से मिले, स्टूडियोज़ देखे, अपने इंटरव्यूज़ कराए लिए, हमारी टीम के इंटरव्यूज़ हुए, सवालात के जवाबात हुए बच्चों के साथ, और एआई पे देखा किस तरह काम होता है, कैनवा पे कैसे काम होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे कैसे काम होता है, स्ट्रीम यार्ड पे जो बच्चे इंटरव्यू कर रहे हैं वो किस तरह करते हैं, इसी तरह पॉडकास्ट किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें हमारी टीम के लोगों ने देखी। इंटरनेट के हवाले से, जो आईटी के हवाले से जो काम शुरू किया है, ये तो अब वक्त की ज़रूरत है, जो कि ये अब हर स्कूल को चाहिए कि वो इनसे मुस्तफीज हो और रिहान अल्लाहवाला साहब से मुलाकात करें और इनकी खिदमात को अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक कारामद बनाएं ताकि वो मुस्तफीज हो जाएं। जो एआई सिस्टम है जो आपका जो आपने इंट्रोड्यूस किया है डिफरेंट पार्ट ऑफ एंगल से, मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर जो ना हर स्कूल में इंट्रोड्यूशन होना चाहिए इसका, और सब बच्चों की जो खुदादा सलाहियतें हैं वो सब इसके अंदर अपना इत्माद पैदा करके और अपनी दुनिया में छा सकें पाकिस्तान के हवाले से। तो ये आपको बहुत एक मुनफरद यहाँ पे पढ़ाई का अमल है जो कि आप बुक से हट के और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाया जा रहा है। ये मैं दो चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगा कि ये जो हमारे पास एक मुनफरद तालीम जो निज़ाम है यहाँ पर है वो तमाम स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो हैं हमारे बच्चों को नहीं सिखाई जाती, जिससे बच्चा जो है वो उनको मकसद ही नहीं पता चलता और विजनरी चीज़ तो पता नहीं लगती कि हम 10 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, 13 साल 14 साल बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को मिशन और मकसद ही नहीं पता होता। फिर उसके बाद वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कोई कंप्यूटर साइंसेस बनेंगे, कुछ भी नहीं पता होता। मगर मैंने यहाँ देखा बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें रखी हैं जो रिहान स्कूल जो उनको निखार रहा है। रिहान स्कूल का जो एक अलग कंसेप्ट है उससे हम बहुत मुतासर हुए कि किस तरह जो है ज़रूरी है कि अहद हाजिर के तकाज़ों के पेश नज़र अपने बच्चों को उससे हम आहंग करना, अगर हमने ये नहीं किया तो बहुत मुश्किल होगा, हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को लेकर आएँ और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बच्चों का इंटरेस्ट है इस दौर में, बच्चा चाहता है वो पॉडकास्ट बनाए, वो तस्वीरें खींचे, वो फेमस हो, सारे बच्चों का तकरीबन बल्कि हर शख्स का ही आजकल यही जो है रुझान है, तो वो यहाँ पर काम बहुत बेहतरीन अंदाज से हो रहा है और हम रिहान अल्लाहवाला को खराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी पूरी टीम को खराज अकीदत पेश करते हैं। आपने हमें यहाँ बहुत अच्छा इंटरटेन किया, हमें बहुत अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा, जज़ाकअल्लाह। मेरे जहन में बरसों से एक सवाल ये चला आ रहा है कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो फ्यूचर जनरेशन को किस तरफ ले जाएगा, तो थोड़ी फिक्र भी रहती है, लाजमी बात है आने वाली जो नस्ल होगी उसकी भी फिक्र है। अब यहाँ आके आइडिया ये किया है कि मुनफरिद ये है कि यहाँ मोबाइल का जो इस्तेमाल है पॉजिटिव यूज बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जिस तरह सर ने बताया कि स्टूडेंट कोई भी साइट विजिट करता है तो मास्टर जो उनकी एक्सेस है वो यहाँ पर सर के पास होती है, तो अगर कोई गलत वेबसाइट या कहीं बंदा चला जाता है तो उसकी पूछगछ भी हो जाती है, क्लास भी होती है, उससे पता ही लगा है कि मोबाइल का बेहतरीन यूज भी है। आप बच्चे को लिमिटेड सोर्सेज देकर और अच्छा यूज करवा सकते हैं उसका, तो ये एक अलग डिफरेंट मुझे यहाँ पर लगा।